अपेला पातो, बाहर गांव का एक ऐसा प्लेयर जिसके हेडशॉट से ज्यादा लोग उसकी मूवमेंट के दीवाने हैं। क्योंकि इसके जैसी मूवमेंट करने से सामने वाले बंदों का ऐसा लगता है कि शायद इसने एक दो बोतल चढ़ा रखी है। गजब आदमी है यार, स्कोर कहाँ चला रहा है। तो यार देखो, आज हम बात करने वाले हैं ब्राजील सर्वर के टॉप फ्री फायर प्लेयर अपेला पातो के बारे में, जिसका नाम तो शायद आप 5-6 बारी में प्रोनाउंस कर दोगे, लेकिन इसके जैसी यूनिक मूवमेंट शायद ही कर पाओगे। और इसके जैसी मूवमेंट करने से एक बहुत ज्यादा फायदा होता है कि कोई भी बंदा कितनी भी कोशिश कर ले, वो आपको हेडशॉट नहीं मार पाएगा, क्योंकि उस मूवमेंट को करते समय आपका हेड कभी भी एक जगह पर होता ही नहीं है। जैसा कि आप इधर देख लो कि मैं इधर अपेला पातो मूवमेंट कर रहा हूं और वो बंदा मेरे को हेडशॉट मार ही नहीं पा रहा। इसीलिए इस मूवमेंट को फ्री फायर की वन ऑफ द बेस्ट। तो बाय द वे गाइस, आज हम इस यूनिक अपेला पातो मूवमेंट को ब्रेक डाउन करके एकदम अच्छे से सीखने वाले हैं। और अगर आप भी अपेला पातो जैसी डेडली मूवमेंट को सीखना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को एकदम एंड तक देख लेना। और साथ ही में इस वीडियो का जो लाइक एम है वो है 13K लाइक्स का, जिसको आप लोगों को भाई फटाफट से कम्प्लीट कराना है, भाई मुझे कुछ नहीं पता। और साथ ही में सब्सक्राइब भी करना है वरना तू तो गया बेटे। तो देखो, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो अपेला पातो है ये ऐसी क्या मूवमेंट करता है जो मूवमेंट इसको बाकी प्लेयरों से एकदम अलग बना देती है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप भी उस मूवमेंट को एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहली जो मूवमेंट ट्रिक है जिसको अपेला पातो बहुत ज्यादा यूज करता है, उसका नाम है फेक व्यू। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो कि यहाँ पे कैसे इस अपेला पातो ने सामने वाले बंदे को अपने मूवमेंट के जाल में फंसा के मस्त तरीके से मार दिया। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है कि अपेला पातो ने अपने अपोनेंट एनिमी को ऐसा दिखाया है कि वो उसे ग्लू से बाहर निकल के फायर करने जा रहा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो वापस से अपने कवर के अंदर ही चला गया। लेकिन अपोनेंट एनिमी ने जैसे ही अपेला पातो को हल्का सा बाहर निकलते हुए देखा, उसने तुरंत उसके ऊपर फायर कर दिया। फिर अपेला पातो ने वापस से बाहर निकल के इसको इजिली हेडशॉट मार दिया। और इसी चीज को कहते हैं फेक व्यू, मतलब अपोनेंट एनिमी को अपना एक फेक व्यू देना, मतलब उसको ऐसा दिखाना कि हम उसको मारने के लिए अपने कवर से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अपेला पातो ने हल्के से बाहर निकल के ऐसा दिखाया कि वो उस पे फायर करने जा रहा है, लेकिन वो वापस से कवर में चला गया और अपोनेंट एनिमी अपना सेफ कवर छोड़कर इसके ऊपर फायर करने के लिए आ गया। और अपेला पातो ने यहाँ भी इसको अपने जाल में फंसा के हेडशॉट मार दिया। तो ये वाली ट्रिक करना तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको अपने हाथ को बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चलाना होता है इस ट्रिक में। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको करना कैसे है। तो इस अपेला पातो मूवमेंट को करने के लिए आपको क्राउच रन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए और ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। तो आपको करना क्या है कि बस आपको रन करके क्राउच करना है और अपनी स्क्रीन घुमा के दोबारा से रन कर देना है, एकदम सिंपल है। और इस चीज को आपको लूप में करते जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तभी आप लोग अपेला पातो मूवमेंट को अच्छे तरीके से सीख पाओगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपेला पातो किस तरीके से इस क्राउच रन को लूप में कर रहा है। और भाई सच में अपेला पातो ना इस चीज को बहुत ज्यादा फास्ट कर रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। और इस क्राउच रन को करने से फायदा ये होता है कि सामने वाला बंदा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो आपको हेडशॉट नहीं मार पाएगा। और अगर आपकी प्रैक्टिस अपेला पातो जैसी होगी तो फिर कोई बंदा आपको बॉडी शॉट भी नहीं मार पाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस क्राउच रन से, मतलब इस अपेला पातो मूवमेंट से बंदों को कंफ्यूज करके कैसे मार सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे सामने हो चुकी है 1v1 की सिचुएशन और हम दोनों में से कोई भी बंदा बाहर आने को राजी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपेला पातो की फेक व्यू टेक्निक का, जिससे कि मैं पहले अपने कवर से बाहर निकलूंगा और क्राउच करके अपनी स्क्रीन को घुमा के वापस से कवर में आ जाऊंगा, मतलब एक फेक व्यू दूंगा अपने सामने वालों को। अब अपोनेंट पे कोई भी बंदा होगा वो पक्का मुझे मारने के लिए बाहर आएगा ही आएगा, और जैसे ही वो आएगा मैं उसे आराम से मार दूंगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैं फेक व्यू टेक्निक का यूज करके कितनी आसानी से सामने वाले बंदों को मार दे रहा हूँ। तो यही है अपेला पातो की मूवमेंट ट्रिक, कि वो अपने एनिमी को एक फेक व्यू देता है और सामने वाला बंदा एकदम कंफ्यूज हो जाता है। और इस ट्रिक को अपेला पातो बहुत ज्यादा यूज करता है, मतलब बहुत ज्यादा यूज करता है। और अपेला पातो की एक और बहुत मस्त मूवमेंट ट्रिक है जिसका नाम है फेक रशिंग। तो ये टेक्निक भी सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है आपके एनिमी को। तो इस टेक्निक में हमें क्या करना होता है कि हमें सामने वाले बंदे पर एक फेक रश करना,
करना होता है। तो मुझे पता है कि आपको ये चीज ऐसे समझ में नहीं आएगी, तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि अपेला पातो सिंपली एक सेफ कवर के अंदर खड़ा हो रखा है, लेकिन अब वो यहाँ पे अपनी फेक रशिंग टेक्निक का यूज करेगा। तो इसने यहाँ पे क्या किया कि इसने डायरेक्ट अपने एनिमी पे रश कर दिया, लेकिन ये एकदम सीधा रश नहीं करेगा सामने वाले बंदे पे, क्योंकि अगर ये एकदम सीधा जाएगा तो सामने वाला बंदा इसको इजीली मार देगा। इसीलिए ये एक अलग एंगल पे जा रहा है, मतलब टेढ़ा जा रहा है, और इस पोजीशन पे आने के बाद सामने वाला बंदा इसके ऊपर फायर करने के लिए पूरा का पूरा रेडी हो जाता है, लेकिन ये उसी टाइम पे तुरंत क्राउच रन का यूज करके अपने पाथ को चेंज कर लेता है, और सामने वाला बंदा एकदम से कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये तो अभी उधर से आ रहा था, अभी एकदम इधर से आ गया, और इसी कंफ्यूजन की वजह से अपेला पातो इसको आराम से हेडशॉट मार देता है। मतलब इस फेक रश टेक्निक में आपको दिखाना ऐसा होता है कि आप इस जगह से रश कर रहे हो, लेकिन आपको एक्चुअल में तुरंत अपने पाथ को चेंज करके किसी और तरफ से रश कर देना होता है। जैसा कि आप इधर देखो कि इधर तो अपेला पातो सामने वाले बंदे को एकदम चक्कर में डाल देता है, मतलब वो एनिमी ये सोचता रह जाता है कि ये लेफ्ट से आएगा कि राइट से आएगा, क्योंकि अपेला पातो बहुत जल्दी जल्दी अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा होता है, और सामने वाला बंदा इसी लेफ्ट राइट के चक्कर में कंफ्यूज होकर मर जाता है। तो आप भी सिंपली अपेला पातो की दोनों मूवमेंट टेक्निक से बंदों को आराम से कंफ्यूज करके मार सकते हो। पहली टेक्निक थी फेक व्यू और दूसरी है फेक रशिंग। और अपेला पातो की ट्रिक का जो पूरा का पूरा खेल है वो है क्राउच रन पे, है ना। मतलब आपको ये जो क्राउच रन वाला जो पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन खोलते ही आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिखेगा, तो अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप सिंपली वहाँ पे आके आराम से कर सकते हो, लेकिन हाँ फॉलो जरूर कर लेना। और इस वीडियो को देखने में अगर आपको थोड़ा सा भी मजा आया हो तो भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मैं और ज्यादा मस्त मस्त वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो जाऊँ। और प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।